हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पाकिस्तान के वीज़े के अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियोस डाला था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा, कमेंट किया। उसमें से कुछ लोगों का ये सवाल था कि अगर हम यूएई आना चाहें और अगर हमें कोई स्पॉन्सर करे, सपोज प्रॉब्लम क्या आ रही है कि विजिट वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ साथ अगर आप एयरपोर्ट पर पहुँचते हो तो वहाँ पर बहुत से लोगों को सिक्योरिटी चेक के माध्यम से, इमिग्रेशन चेक के माध्यम से हो सकता है उन्हें वापस कर दिया जाए, या फिर उनका सिक्योरिटी मनी का प्रॉब्लम हो, या होटल बुकिंग का प्रॉब्लम हो, या फिर वो कहाँ जा रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ों में अगर कोई भी कमी पाई जाती है तो वो वहाँ से वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए लोगों का यह सवाल था कि अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करके अपने आप को स्पॉन्सर करवाएं तो कैसे हो सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ब्लड रिलेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी के लोग स्पॉन्सर नहीं कर सकते, लेकिन ब्लड रिलेशन अगर होगा तो बहुत इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोग भी चांस ले सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। वो अपने नियरेस्ट जहाँ से भी वीज़ा का ऑफिस हो वहाँ जाके या किसी अच्छे से ट्रेवल एजेंसी में जाके वो बात कर सकते हैं, फिर वो लोग उनको बता देंगे। लेकिन मैं इससे पहले एक मोटा मोटी बात बता देना चाहूँगा कि अगर आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं या फिर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसे खास कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये मान चलो कि अगर स्पॉन्सर कोई आपको कर रहा है या फिर आप किसी को कर रहे हो, या फिर आप यूएई में हो, आप किसी को कर रहे हो और कोई कोई है आपका जो यूएई में है वो आपको करना चाहता है, तो उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला वो होता है उसका पासपोर्ट की कॉपी, वो उसके पास होता ही है, वैलिड इमरेट्स आईडी। ठीक है, इमरेट्स आईडी जो यहाँ का यूएई का एक लोकल आईडी कार्ड होता है, इमरेट्स आईडी कार्ड वो होना चाहिए आपके पास, वैलिड होना चाहिए। ठीक है, यानी कैंसिल वगैरह नहीं होना चाहिए। साथ साथ आपके पास सिक्योरिटी मनी के भी पैसे होने चाहिए। ठीक है, अच्छा रहेगा कि आप उन्हें भेज दें, वो अपने अकाउंट में दिखा के आ जाएं, या फिर आप यहाँ से भी सबमिट करा सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती। अच्छा, उसके बाद में आपका एक सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, वो होता है आपका रेंट एग्रीमेंट। जहाँ पे आप रहते हैं वो आप जो मतलब आप जिस गेस्ट को आप बुला रहे हैं या फिर आपको कोई बुला रहा है, तो जो आपको बुला रहा है, जिसके पास आप जा रहे हैं, उसके पास उसके नाम का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि कहीं पर भी चले गए और नहीं हो रहा है तो फिर आपको पता ही कि आपको होटल बुकिंग लगता है, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, आपका मतलब एक जेन्युइन रीजन होता है, वो सारी चीज़ें आपका जो है पूछा जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो किसी के माध्यम से जाना चाहता है या कोई भी ऐसा है जो किसी को बुलाना चाहता है तो वो इन खास बातों का ध्यान रखेगा। बाकी वीज़ा जो है वो निकल आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब मैक्सिमम वीज़ा निकल रहे हैं, ये भी नहीं कह सकते कि 100% का रेशियो है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम नहीं होगी तो वीज़ा आ जाएगा, ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी किस्मत के ऊपर है, विजिट वीज़ा आप लेके आते हो, आप किस पर्पज़ से आ रहे हो, जॉब के पर्पज़ से आ रहे हो, घूमने के पर्पज़ से आ रहे हो, वो आपका प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो क्या करना है। बाकी अब मेरी आपसे सजेशन ये रहेगा कि भाई विजिट वीज़ा पे जॉब सर्च या जॉब करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा, तो विजिट वीज़ा पे जॉब कभी मत करना। बाकी आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि ये यहाँ के रूल के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वो चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था, लोगों का कमेंट था, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।